अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है जनाब। तुसी वेखदे पे हो अपना देश पंजाब टीवी। अज असीं गल करांगे इस मज दे बारे, जिहड़ी मस्तानी दी बेटी है और जनाब शेरे पाकिस्तान और द किंग ऑफ नीली जनाब हाजी शौकत डोगर साहब दे घर दी ब्रीड है। ये जनाब हाजी चौधरी अब्बास गुजर साहब ने जनाब आरिफ वाला उन्होंने खरीदी है। 31 लाख रुपए की जनाब ये भैंस उन्होंने खरीदी है। असी दिल दी अथाह गहराइयां तो उन्होंने मुबारकबाद पेश करने हैं और जनाब थब्बियां दे हिसाब नाल और मरलियां दे हिसाब नाल मुबारकां पेश करते हैं। इस मज दे सौदे की पूरी वीडियो आखिर तक वेखनी है और लास्ट में पूरा सौदा तुहानू जिहड़ा इस तरीके नाल होया जनाब वह भी दिखाया जाएगा। वीडियो नूं आखिर तक देखिया जी और लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करें जी। थैंक यू सो मच। मैं दसदा हुण एवें 2 मिनट दा माफी देओ। अच्छा चलो मैं कॉल करता है, एक मिनट दे दो, दो ना दो स्पीकर ते रख ले नहीं ये भी रख लो, ये मैं गल कर। अच्छा स्पीकर फोन कॉल लग गया। अच्छा है तुसा फिर ऑन रखो स्पीकर नु, स्पीकर ऑन रख दो, तुसी स्पीकर ऑन कर, तुसी स्पीकर ना ऑन है भाई हुसैन। हां हां फड़ो भाई, हां एक होल्ड दो, देखो बहुत लग रहा है, कॉल चलती रहने दे। सही गल है जी, बिस्मिल्लाह जी। भाई भाई मंजूर भाई अब्बास मैनू लै गए अंदर, बी जोटी सानू दे चीन है जी मेरी मस्तानी माई की। मैनू इस दौरान जदन की जोटी सूई है ना, मैं कम से कम ना कुछ 6 तो 7 बंदे तुहानू सारयां नू पता है, मेरे को काफ़ी बंद दोस्तों मजबूर किया भी जोटी दे, मैं मैं नहीं देता। भाई और अंदर लै गए, उन्होंने कहा मेरा तेरा मेरे वालद नाल तेरा तलक है, मैं पहली दफ़ा तेनू कम आख रहा। मैं तो आख्या तू जोटा लै गया मेरे को बाबर टू, इस करके जो तफैद जो ही उन्होंने दिता है। 3 दफ़ा मेरे दाड़ी हाथ लाया भाई ने, इस अगर जी जोटी दे, जब नहीं रुकया मैं लै लै पैसे दस, मैं कि 31 लाख रुपया है। इन्हें अगली गल नहीं सुनी, पैसे कटे मैंने पढ़ा दिते पैसे कलमा भर दो, तुसी सच्चे हो झूठे नहीं, सच्चा भरना कोई गुनाह नहीं। अल्लाह माफ करे जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मैं 31 लाख भी मांगे। एक बारी ताड़ियां 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 भाई मुबारक है, इधर दुआ पढ़ा बहुत बहुत मुबारक मुबारक, कट्टी छड़ के जी जी जी, कट्टी छड़ के जी। मुबारक हो, एक दिन दसा रही जिंदगी मज इंशाला, जो तो दूसरा बारा सूई ना मैं ईमान उल्लाह एक चौधरी अब्बास का, लोग तो कहेंगे 31 लाख रुपया बड़े हो, मैं तो कुछ तेन नुकसान वाला काम भी किया है कि शायद तू डर जाए, पर तू नहीं डरिया। हूँ मैं उस गल का तो कुछ अगली जवाब नहीं, मेरे शौक तेरा गल सुनो जी, मेरे को माँ भी मौजूद है, वह भाई भी मौजूद है, वो भैन भी मौजूद है, मेरा शौक अपना बहरहाल तेरे शौक नूं मैं दा दिना, ते तेने पता कि मेरी कही हुई गल तेने अगली गल मैनूं सोचण दा टाइम ही नहीं दिता। एक होर तुसी गल दसो कि क्या ये मज तुहाडी सारी मज्जां दी इस टाइम सिरे दी मज है या नहीं, दसण लगे नहीं दसो, दसो जी दसो दसो, गल सुनो जी एक मिनट, मेरी मज्जां दी मैं क्यों कहां, शायद बाहर होना आखिर वेले तुसी ये गल ना करो। मैं दसणा जितने मज हुई ना दूसरा बार चौधरी साहब वो पाकिस्तान फैसला करेगा, तेनू भी पता है तू बच्चा नहीं, तेनू पता है मैनू नीली नीली वाले ने रावी वाले ने सारे दोस्तों मजबूर किया, किसी की गल नहीं सुनी। चौधरी साहब तू इंज नहीं गया, तेनू समाज अदालत तो लैके बे तक पता, मैं तेन बड़ा कुछ, मैं अज तक मौके ते मज जाके वेखी भी नहीं, ये वेला मूवी किन्ने दफा देखी मूवी ते बंदा कई बार संजय दत्त ही वेखदा रहंदा ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, WhatsApp ਤੇ ਵੇਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, 1 ਸਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੱਝ ਵਿਖਾਣ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, 2002 ਜੀ ਕੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 10,000 ਕੋਈ ਬਲੋਚੀ ਮੱਝ ਨਾਲ ਦੀ ਮੱਝ ਵਿਖਾਵੇ, ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੱਝ ਵਿਖਾਈ ਦਾ ਇਨਾਮ, 10 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਭਾਈ ਅਬਾਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ 10 ਸੂਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ
ਸ਼ਾਇਦ 15 ਤੋਂ 16 ਲੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਫੀਅਤ ਆਈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਆਦਮ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਫੀਅਤ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰੀ ਇਹਦੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲੈ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਮਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮਕਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ।